हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बॉडी शेमिंग को लेकर, कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करती हैं और फील भी करती हैं। मतलब जो उनको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फील भी करती हैं इस चीज़ को। हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें कैसे पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, हम कैसे बनेंगे। ये सारा कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है, सब कुछ खुद ही, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कैसा है, कोई मोटा है, काला है, पतला है, लंबा है, हम क्यों किसी की बॉडी को लेकर इतना कुछ बोलते हैं? और आपको पता है वो इंसान क्या फील करता है? मान लीजिए एक अच्छी खासी लेडीज़ है ना, ठीक है, थोड़ी मतलब मोटी है, लेकिन वो एक्टिव है, अपना काम अच्छे से कर रही है, बट किसी के बोलने से या जो लोग उसे बॉडी शेमिंग करते हैं उसके साथ, उसे कितना इस चीज़ का फील होता है। उसके बाद वो अपने आप को चेंज करने में लग जाती है कि मुझे पतला होना है, पतला होना है। आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए, आप अपने काम अच्छे से कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। तो दोनों से ये चीज़ें कहना चाहती हूँ, जो बॉडी शेमिंग करते हैं या जो बॉडी शेमिंग को फील करते हैं, जिन्हें कुछ अगर कोई बोल देता है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और ख़ुद को चेंज करने पर लग जाते हैं। हमें खुद को चेंज नहीं करना है कभी भी। मैं आपसे आज एक बात कहती हूँ कि आप कैसे भी हो, जैसे भी आप हो, आपको दूसरों के लिए चेंज नहीं होना है। आप जैसे भी हो, वैसे परफेक्ट हो, बढ़िया हो। तो आप आज से किसी को भी बॉडी शेमिंग मत करिए, किसी को भी मोटा पतला ऐसा वैसा मत बोलिए। पहले शादी से पहले पतली होती हैं, बाद में वो मोटी हो जाती हैं, शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद वो थोड़ी फैटी हो जाती हैं, चल थोड़ा मतलब बिगड़ जाता है। इसमें उनकी क्या गलती है? इसमें उनकी तो कोई भी गलती नहीं है ना, है ना। ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अपने आप का ध्यान रखें, बस खुश रहें, और अपनी जो बॉडी है वो जैसे वर्क करती है। देखिए, किसी मान लीजिए आप बहुत पतले हैं और लेकिन आप एक्टिव हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको जो भी पहनना है आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पहनना है। दूसरे ने डिसाइड नहीं करना उस क्या पहनना है। कुछ लोग होते हैं ना कि मान लीजिए कोई पतली सी लड़की है, उसने ऑफ शोल्डर कोई टॉप पहना हुआ है कुछ भी, लेकिन उसको कुछ अरे कैसा लग रहा है ये वो। क्यों क्यों हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सामने वाला पहनेगा, या हम जज करेंगे तब उसको पहनना चाहिए? किसी का भी अपने ऊपर पूरा पूरा अधिकार है कि वो क्या पहनेगा, क्या उसे पहनना चाहिए। किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। तो अगर कोई भी आपके आसपास कोई भी बॉडी शेमिंग करता हो तो प्लीज़ उसको मेरी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उसको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए। बॉडी शेमिंग करना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप किसी की बॉडी को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप या मैं, हम अपने हिसाब से पैदा नहीं हुए, हमने अपनी बॉडी को खुद से नहीं बोला कि ऐसा हमें बनना है, ऐसा बनना है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया वैसा वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वैसा वो बहुत ठीक है। तो हम कोई भी नहीं होते हैं उसको ये बोलने वाले कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। उस इंसान के बस में नहीं है उसे कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना। हाँ, अपनी केयर करना अपने हाथ में, आप अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पर खुद को चेंज करना वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। आपको देखना है मैं कैसे फिट रह सकता हूँ, कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। अगर आप मोटापे में भी फिट हैं, हेल्दी हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पतले होने की। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पतला होना है या आपको स्लिम ड्रिम होना है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।